हेलो मेरी क्लास 11 के दोस्तों, क्या आप बड़ी तैयारी के साथ पढ़ने बैठते हो पर फिर ये हाल होता है? डोंट वरी, हमने आपके लिए 5 मिनट चैप्टर क्लियर वाले वीडियोस बनाए हैं। इसमें हमने आपके इकोनॉमिक सिलेबस में फर्स्ट 7 चैप्टर्स बिल्कुल इसी तरह बना दिए हैं। इनको आप जरूर देख लेना, नहीं देखा तो अभी देख लो। आज टर्न है चैप्टर 8 का, इकोनॉमिक्स में आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर। एक चीज़ बताओ, गर्मी के छुट्टियों में, सर्दियों के छुट्टी में छुट्टी बिताने आप कहाँ जाते हो? कुछ लोग तो अपने होम टाउन या होम विलेज में चले जाते हैं, गांव में चले जाते हैं। कुछ लोग कुछ मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, कुछ लोग हिल स्टेशंस में जाते हैं, तो कुछ लोग सी बीच में जाते हैं। जहाँ भी जाए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट तो यूज़ करना ही पड़ता है, बस या रेल या कार या प्लेन। और इन सब के चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रहे सड़कें, रहे रेल लाइन, रहे हवाई अड्डे, रहे बस स्टेशंस। और केवल ट्रैवल करते वक्त चलना ही नहीं है, आपको फिर खाने पीने की भी ज़रूरत पड़ेगी, टॉयलेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर जहां आप पहुंचते हो वहां आप अगर होटल में रहना चाहते हो उसकी भी ज़रूरत होती है। और सब चीज़ों के लिए पेमेंट करने के लिए आपको ATM मशीन की भी ज़रूरत होती है। तो आप सोच रहे होंगे, मैडम आपने तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने निकले थे पर आप तो ये सारे टूरिज़्म के बारे में बता रहे हो, पर्यटन के बारे में बता रहे हो। तो देखो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पर्यटन हमारा जो टर्शियरी इकोनॉमिक सेक्टर, तृतीयक आर्थिक क्षेत्र है, उसका हिस्सा है। तृतीयक क्षेत्र में और क्या चीज़ें हैं इनको भी एक नज़र दौड़ा लो। और देखो सेकेंडरी सेक्टर आपको याद है ना, जो विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य पालन, वृक्ष पालन एक्सेट्रा आए थे। अब सेक्टर कोई भी हो, इन तीनों सेक्टर को जो सेक्टर सहायता करता है उसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि आधारिक संरचना क्या है, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है, इसको अच्छी तरह देख लो। तीनों आर्थिक क्षेत्रों, ऑल थ्री इकोनॉमिक सेक्टर्स को जो सेक्टर सपोर्टिंग सर्विसेज देती है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जो सहायक सुविधाएं देती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी को हम कहेंगे आधारिक संरचना। सड़कों का एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, सड़कें इन तीनों क्षेत्रों को कैसे हेल्प करती हैं। पहले हम प्राइमरी सेक्टर से शुरू करते हैं, एग्रीकल्चर से। अब हर फार्मर को अपने खेत में कीटनाशक या पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, पर पेस्टिसाइड तो बनता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से खेत तक कैसे आए, इसके लिए टैंकर्स में भर के सड़कों से चलकर ये आते हैं। और सहायक प्रणाली सड़क है, इसीलिए तो कृषि की कुशलता है। कृषि अगर पेस्टिसाइड टाइम पे ना आए तो फसल की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, समझ गए ना? सहायक सर्विसेज क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। द्वितीय क्षेत्र को देख लो, मैन्युफैक्चरिंग, जो लोग कर्मचारी हैं ये डेली बस में आते हैं जाते हैं, और बस को चलने के लिए क्या चाहिए, सड़कें, और सड़कें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तृतीय क्षेत्र को देख लो, टर्शियरी सेक्टर, इनको आप जानते हो ना, आशा दीदी गांव-गांव में ये हेल्थ सर्विसेज देती हैं। तो गांव-गांव जाने के लिए इनको क्या चाहिए, वही सड़कें। तो जो चीज़ सहायक करती है तीनों आर्थिक क्षेत्रों की कुशलता और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे या आधारिक संरचना। ये तो आप समझ ही गए हो, तीनों सेक्टर्स को अंडरलाइन जो होगा वही है आधारिक संरचना। फॉर एग्जांपल, केवल सड़कें ही नहीं, रेल लाइन, बिजली, पानी, घर, भंडार, ऑफिस, ये सारी चीज़ें किसी भी सेक्टर में बंदा काम करे उसको ज़रूरत पड़ेगी। हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा, आधारिक संरचना की रेलेवेंस क्या है, प्रासंगिकता क्या है। पहला तो आप ही बता दोगे फटाक से, तीनों क्षेत्रों के आर्थिक परफॉर्मेंस को बढ़ाती है उस, तो ये है, इसलिए ये हमारी पहली प्रासंगिकता है, बहुत रेलेवेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और फैक्टर है जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सहायक प्रणाली देश के लोगों के जीवन में गुणवत्ता लाती है। चलो समझते हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है कि लोग पानी के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और ना मिले तो फिर गंदा पानी भी पी लेते हैं। उन लोगों को अगर स्वच्छ पानी मिल जाए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुई या नहीं? जब कोई बीमार पड़े उसको अपने गांव-गांव में, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर स्वास्थ्य सेवाएँ मिल जाए तो बेटर हुआ या नहीं? हर बच्चे को अपने घर के पास एक नज़दीकी स्कूल मिल जाए तो अच्छा है ना, उसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुआ। घर घर में बिजली आ जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुआ। तो प्रासंगिकता को फिर एक और बार देख लो, रेलेवेंस, पहले है
तीनों क्षेत्रों की उत्पादकता और कुशलता बढ़ाना, और सेकंड है क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना, पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे, जो है आज भारत में आधारिक संरचना की स्थिति क्या है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया टुडे। अब देखो, ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से ये था सरकार का काम, गवर्नमेंट टैक्स लेती थी और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती थी। आजकल निजी क्षेत्र भी सरकार के साथ भागीदारी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों पार्टनरशिप, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। तो चलो हम कुछ आंकड़ों को देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है। पहला वाला आंकड़ा है हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल बेड्स, फिजिशियन, डॉक्टर्स, नर्सेज। तो इसमें अगर इतने सारे देशों में देखा जाए तो इंडिया का पोजीशन बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इसको हमें बहुत सारा बढ़ाना अभी ज़रूरी है। सेकेंड हमारा है प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी देखो तो इंडिया का पोजीशन कोई खास बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ भी आगे बढ़ने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और इसको देखो, साफ पीने का पानी कितने लोगों के पास नहीं है, ये वाला ग्राफ जरा उल्टा ग्राफ है, कितने लोगों के पास नहीं है, तो देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों के पास साफ पानी नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें हम और काम करेंगे। और शौचालय का अभाव, कितने लोगों के पास शौचालय नहीं है, वहाँ भी इंडिया के नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों, इतना काम हो रहा है फिर भी ऐसी स्थिति क्यों? इसका एक कारण तो ये है कि भारत की दंदनाती हुई बढ़ती हुई जनता, जितना बनाते हैं वो भी कम पड़ जाता है कि जनता इतनी बढ़ रही है। और सेकंड पॉइंट है कि हमारे भारत की जो GDP, जो इतनी बड़ी GDP है, उसका केवल 30% हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज़ कर रहे हैं। छोटे छोटे देश, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, ये भी 30% से ज़्यादा यूज़ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और भारत तो बहुत बड़ी देश है। आज तो हम बार बार सुनते हैं TV पे, अखबारों पे, हर स्पीच में हम सुनते हैं कि भारत तेज़ी से जा रहा है कि हम $5 trillion की एक इकोनॉमी बन जाएंगे, और बन भी जाएंगे। लेकिन क्या हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे? क्योंकि डेवलप्ड नेशन के लिए ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और सामाजिक, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें। अगर इस पूरे देश के जनता के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, पीने का साफ पीने का पानी, टॉयलेट, बिजली, ये सब ना हो, तो फिर हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये ना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा विकास होगा। बिल्कुल इस तरीके से देखो, तो हमने क्या देखा, आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बेटर होगा, जितना ज़्यादा होगा, तभी हम मोर डेवलप्ड नेशन की तरफ चलेंगे। क्यों, सोचने वाली बात है ना, आप इस पे थोड़ा मन लगा के ज़रूर सोचो। अच्छा, हमारे क्वेश्चन 4 पे आते हैं आप, कि आधारिक संरचना कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर देयर। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे दो कैटेगरी, एक है आर्थिक और दूसरा है सामाजिक। चलो पहले आर्थिक को देख लेते हैं, जैसे उसमें है बिजली, ऊर्जा, फिर है परिवहन, परिवहन के लिए सड़कें, विमान बंदर, बस स्टेशन इत्यादि, फिर सूचना, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सेलफोन्स, इतनी सारी चीज़ें, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इतनी सारी चीज़ें। फिर आती है जब विनिर्माण क्षेत्र में अगर आप जाओ तो सामान जो बनता है उसका स्टोरेज, एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो सामान उत्पादकता हो रही है, प्रोडक्टिविटी है, उसका स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आर्थिक क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्कूल शिक्षा, जैसे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स, जैसे गांव में या बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम होना, स्वच्छ पीने का पानी सबके लिए, टॉयलेट फैसिलिटी सबके लिए, रहने का घर सबके लिए, घर घर बिजली सबके लिए, और सबके लिए क्लीन कुकिंग फ्यूल, स्वच्छ ईंधन। ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी तब हम इसको कहेंगे कि हमारा आर्थिक और सामाजिक दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वली डेवलप हुए हैं। तो हमने क्या देखा, अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या निकला, कि जो हमारी आधारिक संरचनाएं हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो सोशल हो, दोनों जितने बेटर होते जाएंगे, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, हम उतने ही विकसित होते जाएंगे। तो बच्चों, ये तो था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे ऊर्जा या एनर्जी के बारे में, और पार्ट 3 में हेल्थ सर्विसेज के बारे में। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया, बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल्स के साथ आप आंसर लिखना, बहुत बढ़िया नंबर मिलने वाले हैं। तो क्यों, हो गया ना 5 मिनट में चैप्टर क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैसे कोशिश।